तो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण भगवान की मूर्ति ही नहीं है, लक्ष्मण मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है। और विष्णु जी की मूर्ति होने के बावजूद सिरपुर में सर्वाधिक मात्रा में शिवलिंग पाए गए हैं। तो ऐसे ही और भी रहस्यों से भरा हुआ है हमारा सिरपुर, जानने के लिए देखते रहिए। तो हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम है अक्षितिज और आज हम लोग जाने वाले हैं सिरपुर। तो सिरपुर के इतिहास के बारे में जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता पाऊंगा। बाकी अगर आप यहाँ पे घूमने का भी आ रहे हैं तो आप एक गाइड हायर कर सकते हैं। तो सिरपुर महानदी के किनारे बसा एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है जिसका पुराना नाम श्रीपुर था। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिरपुर मंदिर देखने के लिए आएंगे, आपको मेन गेट से सीधे में दिखने लगेगा लक्ष्मण मंदिर, लेकिन वो देखने के लिए आपको पहले लेने पड़ेंगे टिकट्स, जो कि यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। कोविड के बाद से सिरपुर में सैनिटाइजेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। पहले आपको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद आप टिकट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस टिकट काउंटर के पीछे एक लॉकर रूम है जहाँ पे आप अपने सामान या हेलमेट वगैरह रख सकते हैं। और इसके बाजू में ही आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी, जहाँ पे ऐसी किताबें रखी हुई हैं जो आपको सिरपुर के भव्य इतिहास के बारे में बताएंगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कैमरा वगैरह लेके आ रहे हैं तो उसका भी आपको अलग से टिकट कराना पड़ेगा। टिकट करवाने के बाद मंदिर जाते हुए आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा गार्डन, जो कि ये है। तो दोस्तों, आपको जो ये येलो टाइल्स दिख रहे हैं वो ब्लाइंड लोगों के लिए है। इस पाथ को स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है। मंदिर के एंट्रेंस के पास जहाँ पे टिकट चेक होता है, वहाँ पे भी ब्रेल लिपि में कुछ कुछ मंदिर का इतिहास लिखा गया है। मंदिर के लेफ्ट साइड में आपको एक कुआं दिख जाएगा। कुएं का शेप अंडाकार है, तो कुएं के शेप को अंडाकार इसलिए रखा गया है ताकि वो आने वाले झटकों या भूकंप से बचा रहे। यही वो कारण है कि 12वीं शताब्दी के भूकंप के बाद भी ये कुआं अभी तक सलामत है। अब अंडाकार शेप भूकंप रोधी है, इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं कह सकता। सिरपुर जब अपने अस्तित्व में था तब ये बहुत बड़ा शहर हुआ करता था और ये दक्षिण कौशल मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के आधे हिस्से की राजधानी हुआ करती थी। सिरपुर में जिन राजाओं ने राज किया उन्हें कहते थे सोमवंशी, जिन्होंने सिरपुर में मिलने वाले पत्थर और लाल ईंटों से यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आज से लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। तब यहाँ पे शैव राजाओं का शासन होता था। तो जैसे ही आप मंदिर पे चढ़ेंगे आपको दिखेंगे ये 12 स्तंभ जिसपे सिरपुर मंदिर बना हुआ था, जो कि अब डैमेज्ड है। मतलब इनके जो पिलर्स के अवशेष हैं वो आपको पीछे म्यूजियम में दिख जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये कि नागर शैली में बना हुआ ये पूरे भारत में पहला लाल ईंटों का मंदिर है। और लाल ईंटों से बनने के बाद भी ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें पत्थरों पर नहीं, लाल ईंटों पर नक्काशी करके उस पे आकृतियां बनवाई गई हैं। मंदिर के तोरण के ऊपर शेषशय्या पर लेटे भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है। इसी प्रतिमा की नाभि से ब्रह्मा जी के उद्भव को भी दिखाया गया है। और साथ ही विष्णु भगवान के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है। इसके साथ ही जब भी आप कभी मंदिर देखने जाएंगे तो मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको देखने को मिलेगा भगवान विष्णु के दशा अवतार। तो भगवान विष्णु के दशा अवतार को वहाँ पे चित्रित किया गया है। तो जब भी आप कभी मंदिर देखने जाएंगे, आप मंदिर के मुख्य द्वार पर साफ साफ भगवान विष्णु के दशा अवतार को देख सकते हैं। हालांकि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, लेकिन यहाँ गर्भगृह में लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है और ये प्रतिमा 5 फन वाले शेषनाग पर आसीन है। हमारे इंडिया में रामायण के अंदर शेषनाग को भगवान लक्ष्मण का ही अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे शेषनाग के नीचे जो प्रतिमा आसीन है उसे भगवान लक्ष्मण का माना जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के पीछे संग्रहालय वाले एरिया में। इस मंदिर के बारे में और भी फैक्ट्स ये हैं। 12वीं शताब्दी में सिरपुर में विनाशकारी भूकंप आया हुआ था जिसके कारण पूरा सिरपुर ही तबाह हो गया था। लेकिन उस भूकंप को झेलने के बाद भी लक्ष्मण मंदिर थोड़े बहुत डैमेजेस के बाद वैसा का वैसा आज भी। तो 12वीं शताब्दी में भूकंप के बाद 14वीं 15वीं शताब्दी में
महानदी में भयंकर बाढ़ आया हुआ था। इस बाढ़ ने फिर से सिरपुर में तबाही मचा दी थी। तो इन दोनों विनाशकारी आपदाओं के चलते सिरपुर के अनेकों मंदिर और धर्म स्थल तबाह हो गए। तो यहाँ पे 3 संग्रहालय बनाए गए हैं, जिसमें से इस पहले संग्रहालय में मंदिर या उससे जुड़े जो भी अवशेष पाए गए हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। इन अवशेषों में आपको देखने को मिलेगा काफी सारे भगवानों की प्रतिमाएं, खासकर शिवलिंग और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, और महाभारत कालीन रथ और उससे जुड़ी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको अवशेषों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है या ज़्यादा जानने की इच्छा है तो सिरपुर अगर आप एक गाइड हायर कीजिए, वही आपको इनके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो जब भी आप कभी सिरपुर घूमने आएंगे, आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव है। तो दोस्तों, शायद आपको भी मालूम होगा या आपने पढ़ा होगा कि एक चीनी यात्री हेन सॉन्ग नाम का भारत यात्रा करने आया था। भारत में यात्रा करते हुए वो सिरपुर भी आया। वो राजा से मिला और उस समय के तत्कालीन राजा उसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की अनुमति भी दे दी। यही कारण है कि सिरपुर में हिंदू धर्म के अलावा आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रभाव दिखता है। तो दोस्तों, जिन 12 स्तंभों की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, ये वही स्तंभ है जिसपे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर टिका हुआ था। तो दोस्तों, अगर मैं सिरपुर की कंप्लीट हिस्ट्री बताने पे लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप कभी सिरपुर घूमने आ रहे हैं तो आप अच्छा खासा वक्त निकाल के आइए, क्योंकि सिरपुर का मंदिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आधे एक घंटे में कवर कर लेंगे। आपको अगर सिरपुर के इतिहास या लक्ष्मण मंदिर के बारे में अच्छे से जानना है तो कम से कम आप 2-4 घंटे इस मंदिर के लिए निकालिए। आप यहाँ आके गाइड हायर कीजिए जो कि यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। यहाँ संग्रहित अवशेषों और मूर्तियों के डिटेल्स आपको यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो दोस्तों, इस दूसरे संग्रहालय के अंदर जाने पे आपको इंडिया के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स दिखेंगे जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ के भी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे दिखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन जगह के बारे में डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप भी ढूंढते रहते छत्तीसगढ़ या उसके आसपास अनएक्सप्लोर्ड या अनसीन जगह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। इन्हीं शहर राजाओं में से एक सोमवंशी राजा थे हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त की पत्नी रानी वसाटा देवी वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती थी, जिसके कारण मंदिर के अंदर में आपको भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। तो ये मंदिर किसने और क्यों बनवाया? दोस्तों, आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, क्योंकि ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और ताजमहल लगभग 500 साल पुराना है। तो हमारा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी प्रेम का प्रतीक है, जो कि रानी वसाटा देवी ने राजा हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था।
दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ की मूर्तियों में अलग अलग कलर्स हैं, ब्लैक और रेड। तो माना ये जाता है कि अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग रंगों की मूर्तियों का पूजा करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो उन वर्णों के हिसाब से अलग रंगों की मूर्तियों पे वे पूजा करते थे। तो अगर मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।